स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी, जिनका सब्जेक्ट है एज ए मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट जिन्होंने सोशियोलॉजी रखा हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर फर्स्ट एनईपी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो पेपर पैटर्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेजर या फिर माइनर जिन्होंने बीए सेमेस्टर फर्स्ट में सोशियोलॉजी का पेपर रखा हुआ है, न्यू पैटर्न के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न जो है किस तरह से आएगा, बीए सेमेस्टर फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और एनईपी 2020 जिनका सोशियोलॉजी मेजर है या फिर माइनर सब्जेक्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो जिन्होंने सोशियोलॉजी एज ए मेजर कोर्स रखा हुआ है उसका जो कोर्स कोड जो है वो है UMJSOCT101, और इस कोर्स का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल सोशियोलॉजी। फंडामेंटल सोशियोलॉजी टाइटल है, मेजर कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेजर कोर्स का कोर्स कोड ये है और टाइटल जो है वो फंडामेंटल सोशियोलॉजी है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने माइनर जो है वो सोशियोलॉजी रखा हुआ है एज ए सब्जेक्ट, जिन्होंने माइनर रखा हुआ है, तो इसका कोड जो है UMISOCT102, और यहाँ पे जो इसका जो कोर्स टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन इनका जो कोर्स नंबर और कोर्स टाइटल जो है वो डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन पैटर्न है, सेम नंबर ऑफ मार्क्स हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ इनका जो कोर्स कोड और कोर्स नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो मेजर और माइनर जो सोशियोलॉजी है, ये जो कोर्स है ये 4 क्रेडिट का है, टोटल कोर्स ये 4 क्रेडिट्स का है। 4 क्रेडिट में से जो है 3 क्रेडिट्स जो है वो थ्योरी है और 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का टोटल है 4 क्रेडिट्स का, 25 मार्क्स जो हैं ये ट्यूटोरियल के हैं और 75 मार्क्स जो है ये थ्योरी के। थ्योरी में से 75 में से 15 मार्क्स जो है मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है जो कॉलेज लेवल पे होगा, और ये 60 मार्क्स जो है ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। तो ये जो 60 मार्क्स का जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके पास इसका जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की टाइमिंग है, 3 आवर्स टाइमिंग है, ठीक है, 3 घंटे का होगा। तो हम यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है हम उसको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ पेपर जो है, पेपर पैटर्न 2 सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए पे आते हैं हम, सेक्शन ए जो है ये कंपलसरी है, मीन्स इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको आए होंगे वो सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको करने हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जो है टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर एक यूनिट में से जो है आपको एक क्वेश्चन इसमें होगा ही होगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। पूरे सिलेबस मतलब जो आपके 4 यूनिट है सोशियोलॉजी में, मेजर हो या माइनर हो, उसमें यूनिट फर्स्ट से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यूनिट सेकेंड से, यूनिट थर्ड से एंड यूनिट फोर्थ से। टोटल हमारे पास कितने हैं जो है, 4 क्वेश्चंस हैं और ए क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, तो हमारी जो सेक्शन ए में टोटल जो है ये 12 मार्क्स की रहेगी, टोटल हमारी जो सेक्शन है ये 12 मार्क्स की होगी। सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी जो है इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और टोटल क्वेश्चंस आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे, हर एक यूनिट से आपके पास एक जो है 2 क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो है यूनिट फर्स्ट से होंगे, ठीक है, यूनिट सेकंड से भी 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 3 होगा या फिर क्वेश्चन 4 होगा, यूनिट थर्ड में से भी 2 क्वेश्चंस होंगे, यूनिट 4 से भी 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन से आपने क्या करना है, यूनिट में आपके पास चाहिए से आपने या तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, दोनों में से एक करना है,
यूनिट सेकंड में से भी आपको एक करना है, थ्री करो या फिर फोर करो, ये आपके पास चॉइस है। इसी तरह थर्ड में भी, या फिर फिफ्थ करो या फिर सिक्स, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है इसमें से, इसी तरह फोर में से। तो टोटल आपको चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हर एक यूनिट से। ये ध्यान में रखना है कि हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास? दो यूनिट क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का है। आपने यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान रखना है, इसको सेक्शन ए के जो क्वेश्चन हैं इसको 100 200 200 वर्ड्स में आपने इसको रिप्लाई करना, इसका जो रिस्पांस देना है, इसका जो आंसर शीट, जो आंसर देना है आंसर शीट पे 100 to 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपने 700 to 800 वर्ड्स में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है आंसर आंसर शीट पे आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपने चार क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पे 12 मार्क्स का एक है, तो ये जो सेक्शन बी है ये 48 मार्क्स की जो सेक्शन है ये आपके पास रहेगी, 48 मार्क्स की सेक्शन रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और पेपर का आपको नहीं पता है, आप मेरा क्या कर सकते हो, आप इसी चैनल के अबाउट में जाकर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो स्पेशली मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, उनके लिए जो मैंने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसका लिंक जो है इसके चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे आप जो है देख सकते हो, वहाँ से उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेजेस की, पूरे जम्मू कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, डोडा कॉलेज हो, कठुआ हो, रामबन हो, सांबा हो, RSपुरा, अखनूर, राजौरी, पुंछ, जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनके लिए जो है ये मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि कोई वीडियो अभी नहीं बनी है या कोई मिस है, मिस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका मुझे कमेंट करके, इन वीडियोस पे कमेंट कर, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे वो सब्जेक्ट बता दें, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा।